साहब, आज आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD शिलेंद्र कुमार जी से मिले हैं, तो क्या मसाइल? बिल्कुल, आज डाक बंगला सुरन कोर्ट में हम जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारी J&K गवर्नमेंट के आए हुए थे। DG साहब की मौजूदगी में हमारा हाड़ी मरोट मोड़ा बछाई की जानिब से जो है एक बहुत बड़ा इलाका है, 40,000 पर आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, जिसकी एक हमने डेपुटेशन जो है, मेरे साथ काजी अरशाद साहब भी हैं और बाकी भी हमारे साथ थे, तो हम आज जो है उनसे डेपुटेशन मिला। हमने उस इलाके की जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है वहाँ पर, जैसे पानी बिजली सड़क के मामलात हैं, हमें मोटरेबल ब्रिज चाहिए कि ईदगाह के अंदर, जिस तरह मोड़ा बछाई टू हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी तक एक सड़क है, इसी तरीके से ईदगाह से टंड काजियाँ तक जो है एक अहम जो सड़क है वो जो कि 10-15 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल लोगों को जोड़ती है, और इसी तरीके से ईदगाह से रजाड़ा तक जो हमारा बड़ा पुराना 1947 से ख्वाब है कि वहाँ तक भी सड़क जानी चाहिए, और सबसे बड़ा इशू हमारा जो था ईदगाह में मोटरेबल ब्रिज का था। इसके अलावा भी बेशतर जो मसाइले हमने उठाए हैं, और हम मुबारकबाद देते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने भी ये माना कि बिल्कुल ये इन लोगों के जो मसाइल हैं ये फर्स्ट ट्रैक के ऊपर जो है ये हल किए जाएं, क्योंकि मैंने खुद भी वहाँ पर फार फ्लांग एरिया में विजिट की और DC साहब ने माना और कमिश्नर सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहा कि फौरी तौर पर इनके मसाइल हल किए जाएँ। आज हम मिले थे जिसमें दो बर्निंग हमारे इश्यूज थे, एक मोटरेबल ब्रिज था जो पंडाली नाला पे ईदगाह के करीब, और साथ ही जो एक रोड थी जिसके लिए हम 2012 से मुसलसल जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो रोड जो है वो पिछले साल जो है उसका काम जो है हुआ था 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर अभी बाकी है, लेकिन UT बनने से जितनी भी फंडिंग थी वो सारी सरेंडर कर दी थी उस वक्त गवर्नमेंट ने, तो लोगों के मसाइल और वो रोड जो है वो पाया तकमील तक ना पहुँच सकी। तो आज हम इसी सिलसिले में आए थे कि कम से कम ये जो मोटरेबल ब्रिज है इसका काम स्टार्ट हो सके, और वो जो रोड जो 2 किलोमीटर पेंडिंग है और स्टेज सेकंड के जो काम बच रहा है उसके लिए जो है ना वो फाइनेंशियल जो है ना हमें जो है ना फंड्स वगैरह जो है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो आज हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से यही गुजारिश की है कि हमारे लोगों के लिए जो है बड़ी मुश्किल हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा नाला है और वो ब्रिज और रोड जो है उसके लिए फंडिंग जो है उस अवेलेबल की जाए, ताकि बरवक्त वो रोड जो है वो तामीर की जा सके और लोगों को जो है इसका लोगों की मुश्किलात कम हो और लोगों को इसका जो है वो फ़ायदा उठा सके।